हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बाली है और मैं एक रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं। और मैं लगातार आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियोस लेके आता रहता हूं ताकि आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज इंक्रीज होती रहे। आज मेरे एक स्टूडेंट है रोहित, जो यहाँ पे स्कूल प्लस टू क्लास और एक कुनाल स्टूडेंट है, बड़ा ही अच्छा। ये इनका एक डाउट है, वो जो इनका डाउट है वो ऐसा है कि सॉलिड स्टेट चैप्टर में टॉपिक है यूनिट सेल, सॉलिड स्टेट चैप्टर में टॉपिक है यूनिट सेल प्लस टू क्लास का। तो वो जानना चाहते हैं कि भी सर, ये जो एटम्स हैं कॉर्नर पे, जो एटम होता है वो टोटल एटम का 1/8 ही क्यों होता है? जो कॉर्नर पे एटम होता है वो पूरे एटम का 1/8 ही क्यों होता है? तो बड़ा ही सिंपल है, मैं सिंपल सी मैंने एक्टिविटी बनाई है। ये आप देख सकते हैं, आपको पता है यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल होता है पूरे एक जगह का, पूरे किसी सॉलिड, हमारे पास कोई सॉलिड ज्योमेट्री है उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बार बार रिपीट हो रहा है, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बार बार रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर, उसे बोलते हैं यूनिट सेल। आप देख सकते हैं ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा एक सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड अरेंजमेंट है। इसके अंदर कौन सा पार्टिकल बार बार रिपीट हो रहा है, इसके अंदर कौन सा पार्टिकल बार बार रिपीट हो रहा है? तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यहां पर एक ये पार्टिकल है, अलग एक ये सेल है, एक दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पांचवा सेल है, फिफ्थ सेल, ये छठा सेल है, सिक्स्थ सेल, और यहाँ पर सातवां सेल है और ये एट्थ सेल है टोटल। तो इसमें मैंने टोटल 8 बॉक्स मान लो या टोटल 8 सेल्स मान लो, इसमें टोटल 8 सेल्स है, ठीक है जी। तो इसे मान लो एक कॉर्नर है, इसे मान लो दो है, ये थर्ड कॉर्नर है, ये फोर्थ कॉर्नर है, ये सॉलिड के कॉर्नर है, ये सॉलिड के कॉर्नर है। इस सॉलिड के अंदर ये जो पूरा सॉलिड मैंने बनाया है, ये इस टाइम इसमें 8 सेल्स हैं, 8 यूनिट सेल्स। जो स्मॉलेस्ट सेल बार बार रिपीट हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट सेल बार बार रिपीट हो रहा है वो कोई सा भी एक मान लो, चाहे ये वाला मान लो, चाहे ये वाला मान लो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे वो वाला, कोई सा मान लो, कोई सा एक वो क्या है यूनिट सेल, उसे बोलते हैं यूनिट सेल। अब क्वेश्चन ये है, टॉपिक आता है कि सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल वो होता है जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, सिंपल यूनिट सेल वो होता है जिसमें एटम सिर्फ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। तो यूनिट सेल इन विच एटम फाइंड ओनली एट कॉर्नर्स, दैट इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। अब हम जब चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हुए हमारे दिमाग में आता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वहां पर बताया गया है कि भी जो एटम कॉर्नर पे है वो पूरे एटम का 1/80 क्यों है। ध्यान से सुनिएगा, वो जो एटम कॉर्नर पे है वो पूरे एटम का 1/80 क्यों है। तो आप ये देखिए, ध्यान से आ जाइए, ये देखिए नीचे, ये यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल, ये दूसरा यूनिट सेल, उसके ऊपर ये एक यूनिट सेल, ये दूसरा यूनिट सेल, ये तीसरा यूनिट सेल, ये चौथा यूनिट सेल, इसके ऊपर ये पांचवा, इसके नीचे छठा, ये सातवां और इसके नीचे आठवां यूनिट सेल। तो अब आप ध्यान से सोचिए, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो सेंटर में आऊँ, इसके सेंटर में आ जाऊँ, आप इसके सेंटर में आ जाओ, यहां पर देखिए सेंटर में भी अगर आप कैमरे का फोकस हो सकता है तो यहां पर दिखाइएगा, इधर बीच में, इधर बीच में मैंने एक एटम लगा दिया। मैंने कहां लगा दिया एटम? बीच में लगा दिया। तो आप खुद सोचिए, अगर मैंने एटम यहां बीच पर लगा दिया, इधर बीच में लगा दिया मैंने एटम, तो वो पूरा एटम कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है? आप खुद सोचिए, जो एटम मैं यहां बीच में लगा दूंगा उसका थोड़ा सा हिस्सा इस वाले में आ रहा है ऊपर वाले में, थोड़ा सा हिस्सा इस वाले में आ रहा है, थोड़ा सा हिस्सा इस वाले में आ रहा है, थोड़ा सा इस वाले में, ये चार ऊपर के हो गए और सिमिलरली चार क्या हो रहे हैं, वो नीचे वाले में आ रहे हैं। जो हमारे पास पूरा एटम है उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है, आप मैंने यहाँ, मैंने वो एटम यहाँ लगा दिया, इधर मैंने एटम कहाँ पे लगाया, बीच में लगा दिया, उसका थोड़ा सा हिस्सा कहाँ जाएगा, इस वाले में, थोड़ा सा इस वाले में, थोड़ा सा इस वाले में और थोड़ा सा इस वाले में, ये तो ऊपर के चार हो गए। आप उस स्फेयर को, आप उस एटम को सोचिए आधा कर दीजिए, आधा जाएगा इन चारों में, आधा जाएगा इन चारों में, और जो उसका निचला हिस्सा होगा और आधा जाएगा वो नीचे वाले चारों में। आई समझ आपको कि वो जो एक एटम वो 8 में कैसे डिवाइड हो रहा है। तो मान लो मैंने ये हटा दिया, मान लो मैंने ये हटा दिया, यहां पर कितना एटम आएगा खुद दिमाग पर जोड़ लो, पूरे एटम का कितना हिस्सा आया इसके अंदर, यहां पर एक एटम जो था, जो एक स्फीयर था वो 8 में डिवाइड हो रहा है, छोटा सा हिस्सा यहां पर आ रहा है, छोटा सा हिस्सा यहां पर आ रहा है इधर, ठीक है, छोटा सा हिस्सा यहां पर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, ठीक है, इस साइड आ रहा है, और छोटा सा कहाँ आ रहा है, वो इधर आ रहा है, और जो बचे हुए निचले चार स्टूल हैं, निचले चार जो मैंने लगाए हैं,
यूनिट सेल चार उसमें जाएगा, तो जो कॉर्नर पे एटम होता है किसी यूनिट सेल के वो एट में डिवाइड होता है, वो कितने डिवाइड होता है, एट में। आई होप कि आपने इस एक्टिविटी को समझा होगा, और ऐसे ही केमिस्ट्री के शानदार बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।